लास्ट क्लास में हमने टोटल फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव किया था विच वॉज ट्वाइस ऑफ ई नॉट इंटू कॉस ऑफ बीटा डी कॉस थीटा बाय टू. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द रेडिएशन पैटर्न फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन. तो इसके लिए मैंने जैसे बताया हमको तीन पॉइंट चाहिए. फर्स्ट पॉइंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन और मैक्सिमा डायरेक्शन. नाम से क्लियर है, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन मतलब वी हैव टू फाइंड आउट दैट डायरेक्शन इन विच दिस होल अरेंजमेंट इज रेडिएटिंग और इट इज फायरिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल और रेडिएशन. ठीक है, वो डायरेक्शन जहां हमें मैक्सिमम रेडिएशन मिल रहा है. मैक्सिमम मिल रहा है मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम. राइट, मैक्सिमम कितनी होगी जब ये टर्म मैक्सिमम होगा, कॉस वाला फैक्टर. और कॉस ये पूरा टर्म है ना, ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी होती है, प्लस माइनस वन. मिनिमम होती है जीरो और मैक्सिमम होती है प्लस माइनस वन, मतलब इधर प्लस वन और माइनस वन. ओके, सो हमें क्या करना है, मैक्सिमा की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इसको मैक्सिमाइज करना है. ये कब मैक्सिमम होगा, जब ये कॉस वाली टर्म मैक्सिमम होगी. तो हमने क्या किया, इसको मैक्सिमाइज किया और थीटा को रिप्लेस कर दिया है थीटा मैक्सिमम से. अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो डिस्टेंस था डी, सपोज दिस इज लैम्डा बाय टू, इसको बोलते हैं हाफ वेव लेंथ के डिस्टेंस पर है. राइट, तो ये कितना होगा, इसको हमने मैक्सिमाइज किया प्लस माइनस डी और डी को प्लस माइनस वन और डी को रिप्लेस किया है लैम्डा बाय टू से. राइट, तो बीटा हमें पता है टू पाई बाय लैम्डा होता है, डी को हमने रखा लैम्डा बाय टू, लैम्डा कैंसिल हुआ एंड टू कैंसिल हुआ, तो ये बचा कितना, कॉस ऑफ पाई, ये वाला बाय टू आया यहां पर, पाई बाय टू कॉस थीटा, थीटा को रिप्लेस किया थीटा मैक्सिमम से. और ये पूरी टर्म को हमने लिखा इक्वल्स टू प्लस माइनस वन क्योंकि मैक्सिमाइज किया. इसको आप सॉल्व करिए. राइट, और फर्स्ट वैल्यू जो हम रख रहे हैं शुरू की, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें थीटा मैक्सिमम मिल रहा है 90 डिग्री एंड 270 डिग्री. ये हमें क्या मिला कि 90 डिग्री मतलब ये हमारा 0 डिग्री है, तो ऑब्वियसली 90 डिग्री ये हुआ, 270 ये हुआ. ये दो डायरेक्शन में मैक्सिमम रेडिएशन है, तो दो एंगल मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली बाय डायरेक्शनल हुआ रेडिएशन. सेकेंड वन हम निकालेंगे मिनिमा डायरेक्शन. मिनिमा कब होगा, मतलब डायरेक्शन जिस तरफ हमें वी आर गेटिंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन. मिनिमम मतलब ये टर्म क्या हुआ, जीरो. यानी जीरो से इक्वेट किया, डी को रिप्लेस किया लैम्डा बाय टू से, बीटा को रिप्लेस किया टू बाय लैम्डा से. राइट, और इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमें थीटा मिनिमम मिला जीरो डिग्री एंड 180 डिग्री. राइट, दो पार्ट्स हो गए यहां पर. नाउ अब क्या निकला है, हाफ पावर पॉइंट्स. हाफ पावर पॉइंट्स मतलब वो डायरेक्शन जहां पावर अपना मैक्सिमम वैल्यू का जस्ट हाफ हो रहा है. पावर मींस करंट क्या हो रही है, 1/√2 टाइम्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू. हम इनपुट क्या, करंट दे रहे हैं. राइट, इसलिए ध्यान रखिए करंट 1/√2 टाइम्स है और पावर जस्ट हाफ है. तो हमें करंट का एक्सप्रेशन लिया था, तो अब इस टर्म को हम किससे इक्वेट करेंगे, प्लस माइनस 1/√2 से. सेम कंडीशन सब्स्टिट्यूट की, थीटा को रिप्लेस किया थीटा एच पी पी डी हाफ पावर पॉइंट डायरेक्शन से. हमें रिजल्ट क्या मिला, थीटा मिला 60 डिग्री एंड 120 डिग्री. अब यहां से हम फील्ड पैटर्न ड्रॉ करेंगे. किस तरह से, आपको बताया मैंने मैक्सिमा का डायरेक्शन क्या है, पहले हमने एक्सेस ड्रॉ कर लिया, ये देख रहे हैं ये ड्रॉ किया, यहां हमारा रेफरेंस है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो अपन को आंसर क्या मिला, मैक्सिमा डायरेक्शन 90 एंड 270. तो हमने इस तरह से बीम ड्रॉ कर लिया. 0 और 180 पे क्या है, मिनिमम है मतलब 0 है, कुछ भी नहीं ड्रॉ करना है. देन बीम की विड्थ कितनी होगी, विड्थ से हम निकालते हैं हाफ पावर पॉइंट से. तो 60 डिग्री के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करी इस तरह से, एंड यहां से 180 डिग्री के एंगल पे भी एक लाइन ड्रॉ करी. ये दो पॉइंट्स हैं, एक्चुअली ये दोनों पॉइंट्स रेडिएशन को कट करना चाहिए, तो इस तरह से दिखना चाहिए कि यहां पावर इसकी हाफ है, या करंट की बात करें तो 1/√2 टाइम्स है. क्लियर, ये चीज, ये बन गया हमारा रेडिएशन पैटर्न. क्या दिख रहा है आपको, रेडिएशन पैटर्न बाय डायरेक्शनल है क्योंकि सेम फेज सेम मैग्नीट्यूड की करंट है. मतलब हमने जो अरेंजमेंट बनाया वो क्या बनाया है, ब्रॉड साइड एरे का, तो ये ब्रॉड साइड एरे बन गया. क्लियर,